हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम को समझेंगे और जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस नियम को समझने के लिए सबसे पहला जो रूल होता है वो समझिए। आप देखते होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक इंटरजेक्शन लगा होता है, वर्ड जिसको हम कह सकते हैं। अरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, आवाज ना आए। तो बच्चा, जो विस्मय बोधक शब्द होता है शब्द, विस्मय बोधक शब्द, ठीक, हम उसको पहले समझते हैं, जानते हैं, ठीक। होते क्या, चलिए ये समझ लें। आप देखते होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको कुछ शब्द लिखे हुए मिलेंगे, जैसे वाव, संबोधन, हुर्रे, संबोधन, ओह, फिर बिचिन, ओ, अरे अरे चल जाता। बच्चों, ये सब वर्ड आपको लिखे हुए मिल जाते होंगे, लेकिन अब हमको समझना है जो रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों से है या शेड है, उसको हम किस में बदलेंगे। इसको बदलने के लिए बच्चों एक्सक्लेम ईडी या डी विद फीलिंग। अब फीलिंग क्या है हम उसको समझ लें। तो बच्चों, जो दिया वाव, इसको हम जुआ है, हुर्रे, हुर्रे को देखा जाए, ये भी आप जानते हैं जुआ में बदलता है। किस में बदलता है बच्चों? जुआ में। जुआ है। ओ, शेड, ओ, ग्रीफ, इंसल्ट, इसको बच्चे इनवॉक, इसमें भी बदलते हैं, इसका इंसल्ट, अपलाउडेड, इन सब में बदलते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर वाव दिया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उर्रे दिया हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ओ दिया हो एक्सक्लेम्ड विथ सैड या इनवॉक, ओ दिया हुआ तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, एक आप जानते हैं एलॉस, ये भी ऐसे करके पूछता है, तो इसको हम बदलते हैं शेड में। किस में बदलते हैं बच्चों? शेड में। तो इसका हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ शेड। समझ में आ गया बच्चों? जा था का? हाँ। तो चलिए एक बार और आपको समझाने के, बच्चों जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं विस्मय बोधक शब्द, जैसे वाह, रे, ओ, औच, फी, फाई, ब्रेबो या फिर एलॉस, इन सब को, इन सब की
जो फीलिंग्स या जो भाव होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सेट को इनके अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विथ फीलिंग, फीलिंग हमारे है उसमें हम परिवर्तित करते हैं। बाकी एक्लामेटिव सेंटेंस में जो हम असर्टिव सेंटेंस के जितने भी बेसिक रूल्स को पढ़ करके अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं उन सभी रूल को हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो इसको आप ध्यान से एक बार देखिए, समझने की कोशिश करिए और इसको मैं बहुत ही आसानी से एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समझते हैं एक उदाहरण से। तो बच्चों उसी रूल में आप देखेंगे कामा नोट कामा को हटा के हम दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट। इस वाक्य को हम रिमूव कर देते हैं अर्थात हटा देते हैं, अगर जहाँ यह ऐसा लिखा हुआ है उसके स्थान पे फुल स्टॉप, लेकिन वाक्य के अंत में। ये जनरल रूल है, इसको हम लोग समझ चुके हैं और जानते भी हैं। अब एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ लिखा हो आई एम रूइंड, बच्चों अगर ये लिखा हो तो आप देखेंगे भाव के अनुसार ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? एलास। एलास को अभी हम लोगों ने समझा किसमें बदलना है? शेड में। एलास को हम लोग किसमें बदलते हैं? शेड में। शेड को हम सारो भी लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? सारो में भी। दुख तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा रिंकी एक्सक्लेम्ड विद सारो। बच्चों हमने यहाँ लिखा हुआ है मी, क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लेम्ड मी विद सारो, विद सारो। ठीक। अब ए वाक से हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। आई है रिंकी के अनुसार तो जाएगा कंजक्शन लिखेंगे पहले दैट, फिर लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी वाज रुइंड। एक्टिव से पैसिवाइस बन गया, एक्टिव से पैसिवाइस बन गया। अब देखते हैं एक और उदाहरण से, सॉरी स्लिप ऑफ माई टंग। बच्चों एक्टिव से पैसिवाइस नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। क्या बन गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यानी आपको अगर ऐसा वाक्य दिख रहा है एक्सक्लेम विथ सारो शेट से हम इसको अपनी फीलिंग्स को प्रदर्शित करते हैं और यहाँ काम काम हटा के दैट इस वर्ड को हम हटा देंगे। सी किसके अनुसार? आई बदला किसके अनुसार? रिंगे के अनुसार। तो यहाँ हो गया सी वॉज रेंट। सो में आ गया बच्चों। चलिए एक उदाहरण से और हम समझने की कोशिश करते हैं। पिंकू सेट हुर्रा इंडिया ऑन द सीरीज। मान लीजिए दो पक्षी, एक पक्षी, तीन पक्षी, जो भी पक्षी होता है, जो मैच चल रहा है उस पूरे सीरीज को भारतीय टीम ने जीत लिया है। तो जो भारतवर्ष के हैं खासकर के क्रिकेट प्रेमी या फिर फुटबॉल प्रेमी जो भी रहे, तो जो भी मैच उनको पसंद आता है वो देखते हैं, तो वह अपनी खुशी के अपनी खुशी को इस प्रकार से ही दर्शाते हैं। जैसे अगर आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं, एक छक्का लगा तो वाह करके चला, हुर्रा सेलिब्रेट करने का तरीका, तो कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं। तो आप हो जाएगा पिंकू, क्या हो जाएगा? पिंकू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इंडिया हैड, हैव का क्या हो जाएगा? हैड ऑन द सीरीज। तो बच्चों इस प्रकार से आप
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। मैंने शुरू में ही आपको नरेशन शुरू करते हुए या करते समय ही मैंने बताया था कि यदि आप असर्टिव सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, असर्टिव सेंटेंस के एक एक रूल को अगर अच्छी तरह से समझ लिए, तो बाकी चाहे इंट्रोगेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्लेमेटिव हो या फिर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, आशा कर रहा हूँ जो उदाहरण मैंने आपको समझाया आप समझ पा रहे होंगे, या फिर जो कुछ भी रूल है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का आप उसको समझ गए होंगे। एक दो उदाहरण और लेंगे बच्चे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में कोई और जो रूल है हम उसकी चर्चा करेंगे। प्यू सेट एलास माय फ्रेंड इज डेड। बच्चों आप देखेंगे यहाँ दुख का भाव हो रहा है, तो जाएगा प्यू इज क्लैम्ड विथ शारो That my friend हो जाएगा, बदलेगा तो जाएगा his friend। बच्चों इसका क्या होता है, वाज, बहुत सुंदर, was dead। बहुत ही आसानी से आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लोग एलास, बाकी जो भी फीलिंग्स हमने बताया, अगर आपके सामने परीक्षा पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से उसे बना पाएंगे। चलिए हम अगले रूल की बात कर लें। बच्चों अगला रूल क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बात पे फोकस करना चाहेंगे कि जब आपके अंदर सीखने की लगन रहेगी, या यूं कहें आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, तो ही आप समझने की या समझ पाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले रूल की बात कर लें कि अगला रूल एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या कहता है। प्यारे बच्चों आप देखते होंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में कभी कभी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड से। आपके सामने ऐसा देखने को मिला होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ मिलता है, ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, काफ़ी उल्टा कुछ मिलता है। या ऑब्जेक्ट समझिए, फिर सब्जेक्ट, तब वर्ब, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है। या यूं कहें वाक्य की शुरुआत व्हाट ए या हाउ से, व्हाट ए या हाउ से होता है। इस स्थिति में जो रिपोर्टिंग वर्ब शेड है, क्या है शेड, उसको हम दो तरीके से बदल सकते हैं। उसका दो तरीका हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करें। एक तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज्ड, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर्ड। क्या जाएगा वंडर बच्चों, वंडर, ठीक। इस दोनों में बदलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस सेट को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेम्ड में बदलने की कोशिश करें, यानी इसको एक्सक्लेम्ड में ही बदलें, तभी आपका वाक्य सही माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब लास्ट में दिया रहता है और इंटरजेक्शन मार्क लगा होता है, या फिर व्हाट ए या हाउ से वाक्य की शुरुआत होती है। उस स्थिति में आप सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड या फिर वंडर्ड में बदलेंगे, अन्यथा आप भाव समझने में नहीं समझ कमज़ोर या नहीं समझ पा रहे हो, उस स्थिति में आप सेट को एक्सक्लेम्ड में ही बदल देंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा तब आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों
अब देखिए इसमें भी एक रूल है जिसको समझाना आपको मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है और जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। वो रूल क्या है चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा रूल क्या है, यदि व्हाट ए या हाउ इसके बाद नाउन, क्या हो नाउन, तो आप इससे इन दोनों को ठीक है वेरी में बदलिए। किस में बदलिए, वेरी में, ठीक। लेकिन अगर इसे व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव हो, क्या हो बच्चों एडजेक्टिव, तो आप इसे ग्रेट में बदलने की कोशिश करें। किस में, ग्रेट में, किस में बदलने की कोशिश करें, ग्रेट में। समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि व्हाट या हाउ के बाद आपको नाउन दिखे तो आप उसको वेरी में बदलिए, व्हाट या हाउ के बाद नाउन दिखे तो वेरी में बदलिए, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव दिखे तो आप ग्रेट में बदलेंगे। अब चलिए इसको एक रूल से समझाने की कोशिश करूँगा, सॉरी एक जैसे से समझाने की कोशिश करूँगा, तब शायद आपको मेरी बात आसानी से समझ में आए। बच्चों अगर लिखा हो ही सेट, क्या लिखा हो ही सेट कामा नोटेड कामा, क्या लिखा हो ही सेट कामा नोटेड कामा, तो आप देखेंगे लिखा हो व्हाट ए फूल आई एम। तो देखिए व्हाट ए के बाद ये बच्चों हमारा नाउन है, क्या है नाउन, क्यों ये नाउन दिख रहा है, ये नाउन है, बोलो बच्चों ये नाउन है, नहीं ये हमारा क्या है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव। तो व्हाट को किस में बदलना है, ग्रेट में, व्हाट को किस में बदलना है, ग्रेट में। तो आप इसको बदल सकते हैं क्या, ही एक्सक्लेम्ड, भाई कोई मूर्ख है तो अपने आप में तो प्रसन्न सरप्राइज होगा नहीं, तो इसको हम सिर्फ छोड़ते लिखेंगे दैट, यहाँ क्या आई, आई बदलेगा इसके अनुसार हो जाएगा ही। बच्चों ये वाक्य कैसा है लिखा है, आपको दैट के बाद सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, एम हो जाएगा वाज में, वाज लगा ही वॉज, यहाँ देखिए लिखा हुआ ए, व्हाट को किस में बदलना है, ग्रेट में, ए ग्रेट फूल, ठीक। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों वी सेड व्हाट ए प्लेजेंट साइट इट इज, अगर यही बनाना हो तो आप देखेंगे बच्चों कि ये हमारा क्या है नाउन, तो इसका हो जाएगा वी एक्सक्लेम्ड दैट, बच्चों अब इसमें नाउन नहीं है तो प्रोनाउन इट, इट के साथ वाज, इस किस में बदलेगा वाज, ए वेरी प्लेजेंट साइट। आप इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। बच्चों इससे संबंधित अगर आपको, इससे संबंधित मतलब नरेशन से संबंधित आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, जब भी आपके सामने कोई ऐसी समस्या आए या ऐसा प्रश्न आए जो आप नहीं समझ पा रहे हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आज यूँ कहें कि नरेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा डिग्री चेंजिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक डिग्री यानी जो डिग्री होती है कंपेरेटिव सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, इसके परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा वही होगा। तब तक आप नरेशन से संबंधित जो कुछ भी आपको नहीं आ रहा है वीडियो को एक बार दो बार देखते हुए आगे बढ़िए और प्रत्येक अपने किताब में जो कुछ भी एक्सरसाइज दिया प्रत्येक को करते हुए